इंटरपोल रेड नोटिस कब जारी करता है? ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, येलो और ग्रीन नोटिस का क्या मतलब होता है और इंटरपोल कब कौन सा नोटिस जारी करता है, आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के स्कैम का आरोपी मेहुल चौकसी को इंटरपोल से राहत मिली है। इंटरपोल ने उसका नाम रेड कॉर्नर नोटिस से हटा दिया है। 2018 में मेहुल चौकसी का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया था, फिर 2022 में उसने इसको चैलेंज किया और अब उसका नाम इस लिस्ट से हट गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड या ऐसी बात कही गई जो हमारे सर के ऊपर से चली गई, जैसे कि रेड कॉर्नर नोटिस या कब इस नोटिस में किसी का नाम ऐड होता है या फिर हटाया जाता है, और बाकी और किस किस तरह के नोटिस होते हैं जो इंटरपोल जो है वो जारी करता है। तो इस वीडियो में हम इंटरपोल जो अलग अलग तरह का नोटिस जारी करता है उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटरपोल जो है वो है क्या। तो इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश विदेश की पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स अलग अलग देश विदेश के पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, पूरी दुनिया से क्राइम को कम करना, और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सब देशों की पुलिस साथ मिलकर काम करती है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने कलर का नोटिस इंटरपोल जारी करता है और सबका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेड कॉर्नर नोटिस की। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को आधिकारिक भाषा में रेड नोटिस भी कहा जाता है। कोई भी अपराधी पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने की कोशिश में कई बार दूसरे देशों में भाग जाता है और फिर वहां जाकर नए सिरे से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। ऐसे में अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, जो दुनिया भर की पुलिस के लिए एक चेतावनी की तरह होता है। वहीं इंटरपोल द्वारा प्रत्येक वर्ष करीब 150 ब्लैक नोटिस भी जारी किए जाते हैं। ये नोटिस अज्ञात शवों की पहचान के लिए जारी होते हैं, जिसमें खोए हुए लोगों को ढूंढने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा इंटरपोल द्वारा एक येलो नोटिस भी जारी किया जाता है। ये नोटिस किसी भी लापता व्यक्ति के बारे में दुनिया भर की पुलिस को सावधान करने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का अपहरण होता है तो इंटरपोल यही नोटिस जारी करता है। इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले कई नोटिस में से एक नोटिस होता है ग्रीन नोटिस। इंटरपोल का ग्रीन नोटिस किसी भी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी और खुफिया जानकारी से जुड़ा हुआ होता है, जहां उस व्यक्ति से लोग सुरक्षा को खतरे की आशंका के आधार पर जारी करते हैं। इंटरपोल द्वारा जारी इस तरह का नोटिस किसी व्यक्ति या हथियार के बारे में अलर्ट करने के लिए जारी किया जाता है, जिससे किसी तरह के खतरे की आशंका हो या फिर लोगों की जान पर खतरा मंडराने की स्थिति, ऐसे सिचुएशन में इंटरपोल जो है वो ऑरेंज नोटिस जारी करता है। इंटरपोल के पर्पल नोटिस की बात की जाए तो ऐसे नोटिस अपराधियों के गुनाह करने के तरीके और उनके पास मौजूद हथियारों की जानकारी जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं, जिससे कि अपराधियों का सारा डेटा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बाकी के देशों की पुलिस के साथ भी साझा किया जा सके। इंटरपोल द्वारा जारी ये नोटिस किसी भी व्यक्ति की पहचान, उसकी लोकेशन या आपराधिक गतिविधियों जैसे कि अतिरिक्त जानकारियां जुटाने के लिए जारी किया जाता है, जो कि अन्य देशों की पुलिस के भी काम आ सके। इंटरपोल द्वारा जारी किया गया ये नोटिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसे ऐसे किसी संस्था, व्यक्ति या समूह के खिलाफ जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के निशाने पर होता है। इंटरपोल अब तक ऐसे 500 से ज्यादा नोटिस जारी कर चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह के और कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।